हेलो दोस्तों, हिस्ट्री टीवी 18 पर आने वाले शो स्टोरेज वॉर्स के बारे में 10 ऐसे फैक्ट हम आपको बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। स्टोरेज वॉर्स के एक्टर मार्क बेलेलो, जो कि एक ऑक्शन हाउस के प्रोप्रिएटर के साथ साथ एक गेम स्टोर के मालिक थे, 2013 में उन्हें एक जुर्म के मामले में पुलिस ने अरेस्ट किया था, जिसके कुछ दिन बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। क्या आप जानते हैं, डेव हेस्टर और ऑक्शनर लोरा डॉटसन, इनके बीच बहस हुई थी जिसमें लोरा के पति और डेव में हाथापाई हुई थी, जिसके बाद ऑक्शनर लोरा और डैन ने प्रोडक्शन टीम से डेव को निकालने और डेव के साथ काम न करने की मांग की थी, पर इस झगड़े को बाद में शो के प्रोड्यूसर द्वारा सुलझा लिया गया था। स्टोरेज वॉर्स में अब तक की सबसे महंगी चीज कोई बिकी है तो वो फ्रैंक गुटेरेस का आर्ट कलेक्शन था, जो कि डैरल सीट्स को उनके खरीदे हुए लॉकर से मिला था। ये आर्ट कलेक्शन $3,00,000 में बिका था, जो कि स्टोरेज वॉर्स के season 3 में डैरल सीट्स ने खरीदा था। बैरी वेइस शो के सबसे पुराने और मनोरंजक एक्टर है, वो स्टोरेज वॉर शो के स्टार है। बैरी इस शो की वजह से अमेरिका के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुके हैं। इस वजह से स्टोरेज वॉर्स के शूटिंग के दौरान बहुत से उनके फैंस उन्हें मिलने आते हैं। कई बार तो फैंस की भीड़ को संभालने के लिए शो के कास्ट टीम को पुलिस तक को भी बुलाना पड़ता है। क्या आप जानते हैं, एक स्टोरेज यूनिट जो कि पूरा बॉक्स से भरा हुआ था, जब इसे ऑक्शनर लोरा और डैन ने देखा तो उसमें खिलौनों के बॉक्स के अंदर कैश भरा हुआ था, जिसके बारे में शो के कास्ट टीम को कुछ जानकारी नहीं थी। इस यूनिट के सभी बॉक्स के अंदर से टोटल $7,00,000 निकले थे। इस स्टोरेज यूनिट को ऑक्शनर लोरा और डैन ने ऑक्शन हाउस को हैंडओवर कर दिया था। आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि बैरी वेइस ये स्टोरेज वॉर्स के शो में आने से पहले ही फेमस है। वो RCA लेबल ग्रुप के और यूनिवर्सल रिपब्लिक रिकॉर्ड्स के फॉर्मेन चेयरमैन रह चुके हैं। उनके पास कई महंगी कार्स है, जिसमें से 1946 की कैडिलैक और 1955 की बैटनिक फोर्ड और 1940 का फोर्ड COE ट्रक शामिल है। उनका नेटवर्थ करीब $10,00,000 है और वो कहते हैं कि स्टोरेज यूनिट्स खरीदना ये उनकी फेवरेट हॉबी है। डेव हेस्टर, जो कि अपने सीरियस और एंग्री नेचर की वजह से जाने जाते हैं, और आपको पता ही होगा कि डेव को यप वर्ड से बड़ा ही लगाव है और उन्होंने यप नाम का पेटेंट भी बनवा लिया है। इसी लगाव के कारण उन्होंने फेमस म्यूजिशियन ट्रे सॉन्ग्स पर अपने एक गाने में यप शब्द यूज करने के लिए डेव उन्हें कोर्ट तक खींच लाए थे। इसके बाद ट्रे सॉन्ग्स को अपने सॉन्ग से ये वर्ड हटाना पड़ा था। क्या आपको पता है, डैन और लोरा डॉटसन ये ऑक्शनर के साथ साथ स्टोरेज यूनिट्स के बायर भी है। जब कभी उन्हें एज ऑक्शनर नहीं बुलाया जाता तब वो दोनों स्टोरेज यूनिट्स खरीद भी लेते हैं। स्टोरेज वॉर्स में एक स्टोरेज यूनिट में अब तक की सबसे अजीबोगरीब अनोखी चीज पाई गई थी, जो कि हाथों की अलग अलग पेंटिंग्स और मोम से बने हुए हाथों के बहुत से आकार थे। स्टोरेज वॉर्स में ऐसे ही बहुत से अजीब सी चीजें आ चुकी है, पर ये यूनिट की चीजें सबसे अलग थी। आईवी केल्विन, जो कि शो में द किंग के नाम से भी जाने जाते हैं, आईवी ने season 4 में शो को ज्वाइन किया था, पर वो स्टोरेज बायर से पहले MMA फाइटर और साथ ही अरीना फुटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। और रिटायर होने के बाद आईवी ने पाल्मडेल कैलिफोर्निया में एंटिक थ्रिफ्ट स्टोर खरीदा और उसे अपना बिजनेस बना लिया। तो दोस्तों, ये थे स्टोरेज वॉर्स के कुछ चुनिंदा फैक्ट जो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बहुत से वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।